हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मनोज कुमार एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इंग्लिश के एक और वीडियो लेकर। अपने इंग्लिश सीखने की प्रोसेस को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँच सकूँ, और जितनी अच्छे से और आसानी से मैं आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूँ उसका प्रयास अभी जारी है, और होपफुली सक्सेस भी अवश्य ही मिल पाएगी। तो आइए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक ऐसे वर्ड को आप लोगों को सिखाता हूँ जो कि आप लोगों को अंग्रेज़ी बोलते समय जब आपको क्रोध आएगी और क्रोध में आप इंग्लिश बोलेंगे तो क्रोध में अंग्रेज़ी बोलते समय कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सेंटेंसेस को आप आसानी से कैसे बोल सकें आज मैं इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा हेल, HELL, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग हेल का यूज़ करते होंगे। हेल का जो बेसिक मीनिंग होता है जो हम सभी लोग याद रखे हैं उसको हम नर्क बोलते हैं। हेल का यूज़ हम नर्क के मीनिंग में करते हैं, लेकिन यही हेल HELL ऐसे भी एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है जब हम अपने अंदर के एंगर को व्यक्त करते हैं, और ख़ासतौर से तब जब WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम गुस्से में कोई बात बोलते हैं तो वहाँ पर WH वर्ड के बाद द हेल का यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे होता है तो अब इसके लिए अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग बना रखा है हेल HELL। यहाँ पर आप देखें कि WH प्लस द प्लस हेल मैंने लिखा हुआ है, यानी कि WH वर्ड के बाद आप द हेल यूज़ करके और आगे के सेंटेंस को आप बना सकते हैं, और ऐसा आप तब कीजिएगा जब आपको इंग्लिश बोलने में गुस्सा आए, जब गुस्से में आप अपनी अंग्रेज़ी की टॉकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्री आप फील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में WH वर्ड और द हेल का आप यूज़ करें। एक सेंटेंस आप देखें जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी। जैसे आप देखते हैं हु आर यू, आप बोलते हो ना आप कौन हो, तो हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। कई बार होता है ना, हम किसी से बात करते हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, तुम होते कौन है। हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी, मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो। क्रोध आया आपको ये बात बोलते समय ना, तो आप इंग्लिश में इसको आप यूज कर सकते हैं, हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी, मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो। वैसे ही एक और सेंटेंस देखिए आप, व्हाट द हेल इज दिस। कोई आपके सामने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा करेगा, और सडनली आपने देखा कि वो ऐसा किया ना, तो आपको गुस्सा आएगा, तो आप बोल सकते हो व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है। आप गुस्से में बोलो क्या है ये, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। याद रखिएगा कि अंग्रेजी बोलते समय वाक्य के मुताबिक आपके फेस का एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आपका जेस्चर्स भी ज़रूरी है। जो हाथ पैर हमारा हिलता है ना बोलते समय, और जो बॉडी लैंग्वेज हमारी आती है ना, उसको हम जेस्चर बोलते हैं, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बोले ना व्हाट द हेल इज दिस, तो लगे कि आपके टोन में एंगर है। अब गुस्से वाली बात और एकदम सोबरली आप बोलते हैं ना, तो आपके डायलॉग वहाँ पर फ्लॉप कर जाती है। तो आप जब ये बात बोले ना दहेल लगाकर, तो आपके चेहरे पर एंगर एक्सप्रेस होना चाहिए और सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप गुस्से में हैं। वैसे भी जो भी बात हम बोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। लुक एट अनदर सेंटेंस, वेयर द हेल हैव वी कम। आप गौर करें क्या मैंने लिखा, वेयर द हेल हैव वी कम। आप देख रहे हैं WH वर्ड मैंने वेयर यूज़ किया हुआ है, और वेयर के बाद द हेल मैंने यूज़ किया है, हैव लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, और ये कम का थर्ड फॉर्म कम मैंने यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क। वेयर द हेल हैव वी कम, ये कहाँ आ गए हैं हम लोग, जाना हमें कहीं और था, पहुँच कहीं और गए हैं, गुस्सा आ गया, तो आप बोल दो वेयर द हेल हैव वी कम, आखिर ये हम लोग आ कहाँ गए। तो क्रोध आया ना, तो आपने ये सेंटेंस यूज़ किया वेयर द हेल हैव वी कम। लुक एट अनदर सेंटेंस, हाउ द हेल आर यू डूइंग दिस, हाउ द हेल आर यू डूइंग दिस, कैसे कर रहे हो तुम इसको। कोई बंदा है आपके सामने, वो कोई काम कर रहा है
और उसके काम करने का जो तरीका है ना, वो आपको लगता है ना एकदम स्ट्रेंज है, रेडिकुलस है, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको देखकर उसको ऐसा काम करते हुए, तो आप बोल सकते हो हाउ द हेल आर यू डूइंग दिस, अरे कर कैसे रहे हो यार तुम, ये बोलते हो ना, अरे कैसे कर रहे हो यार तुम, जैसे भोजपुरी में गुस्सा, अरे कैसे करते रहे रे, बोलते हैं ना आप। सिमिलरली इन इंग्लिश हाउ द हेल आर यू डूइंग दिस, क्रोध आएगा, आप इसको बोले अच्छा लगेगा और आपकी इंग्लिश आपको बोलने में भी, आपके टोन में भी बड़ी खूबसूरती दिखेगी। एक और देखें, व्हाई द हेल हैव यू कम हियर, कोई अगर आ गया है और आपको लगता है कि उसके उसको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और आपको बड़ी गुस्सा आ रहा है उसके आने पर, तो आप बोल सकते हो व्हाई द हेल हैव यू कम हियर, अरे तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर, आइले काहे बड़े तू ही जा, भोजपुरी में आखिर तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर, व्हाई द हेल हैव यू कम हियर, व्हाई द हेल हैव यू कम हियर, व्हाई द हेल हैव यू कम हियर, आप ऐसे ही सेंटेंस को बोल सकते हैं गुस्से में। लुक एट अनदर सेंटेंस एंड द लास्ट वन, यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन व्हेन द हेल विल द गेम स्टार्ट। सपोज यू आर सिटिंग इन अ स्टेडियम एंड यू आर वेटिंग फॉर द गेम टू बी स्टार्टेड, बट द गेम इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर गेटिंग बोर्ड सिटिंग इन द क्राउड विद योर फ्रेंड्स। आपको लग रहा है ये गेम कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, काफी वेट करा दिया, बड़ी गुस्सा आ गया आपको, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो व्हेन द हेल विल द गेम स्टार्ट, अरे ये आखिर मैचवा शुरू कब होगा, भोजपुरी टोन में, आखिर ये मैच शुरू कब होगा यार, अरे कब शुरू होगा मैच, व्हेन द हेल विल द मैच स्टार्ट। सो गाइज, यहां पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि बोलते तो इंग्लिश बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपनी इंग्लिश को इडियामेटिक बनाना और अच्छे टोन के साथ बोलना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छे प्रोनंसिएशन के साथ बोलना और पूरी फ्लुएंसी के साथ बोलना एक अच्छे स्पीकर की पहचान होती है। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके दिल में इच्छा है कि आप इंग्लिश बोले तो थोड़ा आप टाइम दें और जो आपको सिखाया जाता है उसको आप प्रैक्टिस करें। अभी आपने हेल सीखा, अब इस हेल पर कोशिश कीजिए कि WH सेंटेंस, WH वर्ड्स का यूज़ करते हुए द हेल लगाकर आप सेंटेंसेस बोले ना, आपको बहुत खुशी होगी और आपके दिल में ये यकीन होने लगेगा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, बाय, सी यू।